है मेरा दोस्त चैंडलर और अभी इसका होने वाला है एक लाइट डिटेक्टर टेस्ट और हमारे सभी दोस्त उस वेयर हाउस के पार एक अलग कमरे में हैं और वो जो चाहे इससे पूछने वाले हैं। हम सभी दोस्त हैं, हम सच का पता लगाएंगे, हम उसे शर्मिंदा करेंगे। पर ये अकेला नहीं है जो शर्मिंदा होने वाला है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसे नफरत है, नफरत है। तुम ये नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं, और हर कोई सच नहीं कहता, और ये एक झूठ है। और मेरे सभी दोस्तों के सच जानने के बाद उन्होंने मुझे हॉट सीट पर बिठाया और वो सवाल पूछा जिसके बारे में सभी जानना चाहते हैं। तुमने कभी फेक वीडियो बनाई है? और इससे पहले कि सभी पागल हो जाए, चैनलर तुम्हारा पहला सवाल है, नए फीस्टिबल्स बार का तुम्हें टेस्ट पसंद आया कि नहीं? हाँ। सच है। ये तो आसान था, सबको ये पसंद है। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। क्या तुम्हारा नाम चैनलर है? हाँ या ना? हाँ। सच है, ये काम करता है, ये सच में कर रहा है। क्या तुम्हें तरीक का स्टैंड अप फनी लगता है? हाँ। बहुत जल्दी जवाब दे दिया, ये सच है। क्या बात है। ओह गॉड। तुम्हारे लिए एक और आसान सवाल, खुद को नोलन से फनी समझते हो? हाँ। वो हिचकिचाया भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। ये एक झूठ है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। कॉल, हॉट सीट पर स्वागत है। मैं डरा हुआ हूँ। कॉल, ये सवाल स्क्रिप्ट में नहीं है। क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक हो। तुम सच भी बोल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जिसे नफरत है, नफरत है। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? हाँ। देखकर ही लग रहा है झूठ बोल रहा है। झूठी है। मुझे कहना होगा तुम सच बोल रहे हो। क्या? समझ गए। आई लव यू। कहा था ना मैं तुम्हें बेस्ट फ्रेंड समझता हूँ। क्या मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? हाँ, तुम भी। ये भी एक सच है। हे, अब बस करो, फिर से ये सवाल नहीं। काल। हाँ? क्या तुम सर्वाइवर में हिस्सा लेने के लिए मिस्टर बीस्ट को छोड़ दोगे? नहीं। ये एक झूठ है। मुझे तो हे, देखो शायद एक दो महीने के लिए छोड़ दूंगा गाइस। चलो भी, हम जानते थे ये झूठ है। ओके, हाँ तुम सही हो, माफ करना, बस देखना चाहता था कि ये चेक कर रही है या फिर बस नाटक कर रही है चेक करने का। हेलो, मुझे डबल चेक करना था कि क्या तुम्हें सच में नए चॉकलेट्स का टेस्ट पसंद आया। बहुत पसंद है। ये एक सच है। देखा, और कितनी बार पूछोगे ये सवाल? Okay, बस डबल चेक करना चाहता था। जब भी हम वीडियो पोस्ट करते हैं क्या तुम उसे देखते हो? सिर्फ तब जब मैं उनमें होती हूँ। Yes. हाँ तो सच्ची तो कह रही हूँ। सच है। सॉरी, और उसमें मैं नहीं होंगी तो क्यों देखूंगी? मैं क्या, कोई भी नहीं देखेगा। क्या जिमी एक अच्छा रूममेट था? नहीं। ये एक झूठ है। क्या? ये बहुत गंदगी रखता है। झूठे। जाहिर है जिमी एक अच्छा रूममेट है, हो सकता है कि मैं बुरी रूममेट थी। ओह माय गॉड। खुद को ग्रुप का सबसे फनी मेंबर समझते हो? हाँ। वो मैं हूँ। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बर्बाद मत करो, ठीक है? चलो एक ऑब्वियस सवाल से शुरू करते हैं। क्या तुम्हें हम अच्छे दोस्त लगते हैं? वाह। हाँ। सच है। अब इससे भी जरूरी सवाल, हमारे नए चॉकलेट बार का टेस्ट पसंद है? हाँ। ये भी सच है। अब एक आसान सा सवाल, चलो पूछो। तुम्हें क्या लगता है, मैं नोलन से ज्यादा फनी हूँ? हाँ। ये एक झूठ है। दोस्त, तुम्हारी कॉमेडी बेकार है। हम सब में से सबसे खराब स्टाइल सेंस किसका है? मैं कहूंगा नोलन। सच है। क्या बात है। माफ करना नोलन, माफ करना, माफ करना। देखो, जिमी ने एक प्लेन रेड टी शर्ट पहनी है। तुम और जिमी एक जैसे ही हो। नोलन को ये पता नहीं है पर हम उसके पेरेंट्स को यहाँ पर लेकर आए हैं। मेरे पसीने छूट रहे हैं। नोलन। हाँ। हॉट सीट पर स्वागत है। मुझे ये पसंद नहीं। तुम्हें ये पता नहीं है पर तुम हमारे खास मेहमान हो। आखिर उसका मतलब क्या है? 3, 2, 1, उन्हें अंदर भेजो। नोलन, हम तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पर लेकर आए हैं सिर्फ इसके लिए। ये क्या, ये इससे और बुरा नहीं हो सकता। हाँ, यही तो हमारा इरादा था। बहुत बुरे हो। Okay. तो एक आसान सवाल से शुरू करते हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। क्या फीस्टिबल्स तुम्हारे हिसाब से बेस्ट चॉकलेट्स हैं? हाँ। सच है। बहुत बढ़िया। Dude, ये तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे बहुत डर लग रहा है। Oh my God. Nolan, तुम्हें एक आसान सवाल दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं, मैं जानता हूँ अगर तुम आसान कह रहे हो तो मतलब आसान नहीं होगा। मॉम डैड में से सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो? नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं दोनों को एक साथ प्यार करता हूँ। ये सच है। बहुत बढ़िया बेटा। नोलन, क्या तुमने कभी मेरे झूठे सिग्नेचर किए? हाँ? मुझे वैसा बिल्कुल नहीं लगता। और ये एक झूठ है। मैं ये नहीं सह सकता ब्रो। गॉड, मुझे अभी यहाँ से बाहर निकालो। सांस लो, शांत हो जाओ। ओके, आखिरी सवाल नोलन, तुम तैयार हो? नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिमी से बेहतर मिस्टर बीस्ट बन सकते हो? नहीं। ये सच होना चाहिए। Good.
सच है। गुड, ये बात भूलना मत। और अब वीडियो को खत्म करने के लिए हॉट सीट पर मैं बैठा हूँ। बॉयज तैयार हो? जन्म से ही हम सब तैयार हैं। जिमी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हर चीज बेकार है? हाँ, 10,000 बार हाँ। ये 10,000 बार सच है। ये सच्ची है। जिमी, तुम्हें क्या लगता है, तुम गंजे हो जाओगे? नहीं, मरना बेहतर होगा। ये सच है। मतलब तुम गंजे होने से ज्यादा मरना पसंद करोगे? ये तो पागलपन है। मुझे बस मेरे बालों से प्यार है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या नोलन फनी है? ओ नहीं, यानी किस बारे में कह रहे हो? फनी होने के बारे में। देखा जाए तो हाँ, मुझे वो फनी लगता है। ये सच है। देखा? हाँ। ओके, ठीक है। तुम चीटिंग कर रहे हो। और अब छुपा नहीं रहे हो। क्या नोलन चैंडलर से ज्यादा फनी है? मतलब मुझसे भी फनी? तुम मुझसे मजेदार तो हो, पर वो थोड़ा अलग सा फनी है। या कभी कभी वो बहुत अजीब सा फनी होता है, पर तुम दोनों ही फनी हो अलग तरह से। ठीक है, अब जो तुमने सभी बातें बता दी है तो अब बस कहो हाँ या फिर ना। क्या नोलन चैंडलर से ज्यादा फनी है? शायद मुझे ना ही कहना होगा। तुम्हारा दिमाग सोच रहा है कि ये सच है। मैं वेयरहाउस के उस पार से उनकी चीखें सुन पा रहा हूँ। तो ये सवाल मुझसे भी पूछा गया था और अब वही सवाल मैं तुमसे पूछूंगी। तो जब हम साथ रहते थे तब क्या तुम्हें लगता था कि मैं एक बुरी रूममेट हूँ? हाँ, क्योंकि तुम हमेशा मुझे ऐसा कहते थे, लेकिन ये सच नहीं है। ये सच है। मैं जानती थी कि ये सच निकलेगा। मैं जानती थी क्योंकि मेरे जाने के बाद इसे बहुत गुस्सा आया था। ओके ठीक है, मैं तुम्हें एक आसान सवाल पूछूंगा, ठीक है? तुमने कभी फेक वीडियो बनाई है? नहीं। सच है। ये आसान सवाल था। अब जो हम सच जानते हैं, इसीलिए ये देखना मत भूलिए कि हमारे फीस्टिबल्स चॉकलेट्स कितने डिलिशियस है। वो सबको पसंद है। जाइए और आपके लोकल वॉलमार्ट से आज ही खरीदें।